Okay. Yeah, my friends tell me that the harassment I receive just isn't worth it. But the people that harass me are part of the reason I'm given purpose. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सब लोगों का एक और बेहतरीन वीडियो में। और मैं हूं शोभन, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स वाइंस एंड मस्ती। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग है वो भी काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं एक बेहतरीन जगह पर। वेल, यहाँ पर शाम होने वाली है, बट मैंने शाम का वक्त इसलिए चुना दोस्तों, बिकॉज इस जगह में बेसिकली शाम के वक्त इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी रहेगा इस ब्लॉग में, इसका नाम रॉन है। आई मीन हिज लाइफ नेम इज रॉन, सो ही इज सुशोभन। सो ये और मैं इस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आज आ चुके हैं ताला पार्क में दोस्तों, जो कि श्याम बाजार पर स्थित है कोलकाता 37 में। और यहाँ पर हम इस पूरे एरिया को चारों तरफ घूमेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिखता है हम लोगों को। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको पीछे यहां पर बता दूं, तो यहां पर मेरे पीछे एक ब्रिज है, तो वहां तक तो हम लोग को जाने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एक अलग हिस्ट्री है, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताते रहूँगा। बेसिकली हम लोग आगे चलते हैं अभी आगे और देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या देखने मिलता है। तो इस जगह की जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा इस ब्लॉग में, कि ये जो जगह है ये कब बनी और किसने इसको बनाया, हु इज़ द ओनर। तो ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अगर हो सके तो। यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनसे मैं बात करूँगा, तो बात करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस जगह के बारे में और क्या खासियत है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आइए। सर आगे को डेवलप छो ना? अच्छा, मोटामोटी डेवलप हो 2001 डेवलप हुई।2001 ঠিক আছে, ভালো লাগলো আপনার সাথে, থ্যাংক ইউ। সো গাইস, কাফি আচ্ছা লাগা ইন লোগো সে বাত করকে, জেসে আপ লোগো নে সুনা কে ইয়া ইয়ে জো জগা এ কাফি পুরানি হ্যায় ইয়াহ পে, অর এক্স্যাক্টলি ইন লোগো আন্দাজা নেই হ্যায়, কিউকি ইয়ে লোগ জাস্ট কুছ হি সাল পহলে ইয়ে লোগ ইয়াহ সে গার্ড মে লগে হ্যায়। इसके पहले ये जगह डेवलप नहीं थी, तो इस जगह को उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता था, और कुछ गलत पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी ये जगह। बाय द वे, अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं बिस्किट खा रहा हूँ। तो गाइस, मैं ये कह रहा था कि ये जगह है काफ़ी पुरानी है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है इस बारे में कि एग्जैक्टली ये जगह कितनी पुरानी है। बट फिर भी इनके हिसाब से ये जगह, ये जो पॉन्ड है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पॉन्ड को मैं दिखाऊँगा आपको बैक कैमरा से। लेकिन मैंने गाइस, ये जो एरिया है इतना अच्छा आ रहा है, ठीक है उसको देख देते भाई, दे ना, देखते हैं खाएगा तो खाएगा, देखे तो देख। अरे पाला चीज का दो भाग गया। तो मैं ये कह रहा था गाइस के ये जो जगह है उनके हिसाब से ये पॉन्ड ये करीब 500 साल पुरानी है। तो उसके बाद ये फिर उतना डेवलप नहीं हुआ करता था, यहाँ पे कुछ गलत काम होते थे। उसके बाद सरकार ने यहाँ पे, यहाँ के जो कॉरपोरेशन, इनके हिसाब से यहाँ के जो कॉरपोरेशन है, उन लोगों ने इसका ज़िम्मा लिया और इस जगह को फिर डेवलप करवाया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। आगे चलते हैं, और भी कुछ है देखने के लायक, तो वो सब भी मैं आपको बताते रहूँगा यहाँ पर। एंड लुक एट दिस गाइस, ये जगह देखिए, तो इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ शायद अंदर नहीं जाने दिया जाएगा ना? इट्स द लाफिंग एंड योगा सेंटर, सो कैन वी विजिट इनसाइड? नो, सॉरी गाइस, यहाँ तो नहीं आ सकते। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं। सो गाइस, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए,
अभी भी भूख लगी है तो हम लोग खा लेते हैं भैया। कितना करके भैया पार्क कितना पुराना होगा? ब्रिटिश टाइम से भी आगे से है पार्क। और ये पुखुर 50-60 साल पुराना। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब मैं उधर सुन रहा था कि ये जगह पहले इतनी डेवलप नहीं थी तो यहाँ पे कुछ गलत काम भी होते थे, फिर इसको डेवलप कराया गया। नहीं था, अभी डेवलप हुआ है, यही डेवलप हुआ है कुछ दिन से। अच्छा जी, और आपका नाम? योगेंद्र शाह। मिलकर अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। फिलहाल हम लोगों ने ले लिया है, ये क्या लिए? छोला मांस। हाँ, तो छोले और आलू के साथ मिक्सअप करके कुछ देते हैं। कितना लिया? 10 करके। 10 करके, चलो ठीक है, 10 रुपये में थोड़ी पेट पूजा हो जाए। तो मैंने गाइज यहाँ पे एक और भैया से बात की, चाय वाला है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली। वो भी बता रहा था कि लाइक ये काफ़ी पुरानी है जगह, कम से कम ब्रिटिश लोग जब रूल किया करते थे कुछ भी पुरानी है, तो तब का बना हुआ है इनके। मुझे भी ये लगता है इतना पुराना तो नहीं होगा। वी डोंट थिंक सो, बस आप खुद ही देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कितना डेवलप है। मे बी अभी रिसेंट में डेवलप कराया गया हो, बट इतना पुराना तो नहीं हो सकता। हाँ, मे बी 50-60 साल पुराना हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश के पहले का तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। एनीवेज आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। इस अंदर कराटे कोचिंग क्लासेस भी है, वो दिखा देता हूँ पीछे से। पीछे जो है वो कराटे कोचिंग क्लासेस है उस तरफ, एंड ये है एक और बाहर निकलने का रास्ता। हम लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ निकले हम लोग, कहीं से भी निकल। फिलहाल हम लोग उस पार चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं। तो गाइस जैसे ब्रिज के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ब्रिज की एक हिस्ट्री वहाँ पर ये थी कि एक लड़का वहाँ पर शायद सुसाइड किया था। तो गाइस यही वो गेट है, दिस इज़ अ ब्रिज, यहीं पे सुसाइड हुआ था और तब से ये ब्रिज बंद है। देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो कैसे आगे चलते हैं? मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता और ना ही मुझे अभी हॉन्टेड ब्लॉग बनानी है। तो इसकी खासियत ही रहने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। फाइनली हम लोग जो है एक जगह पर रुके हुए हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग टिफ़िन करेंगे, नान और सब्जी। सब्जी में क्या है भाई?
घुगनी। अच्छा ठीक है, तो वो आलू और मटर की सब्जी बोली जाती है, तो बंगाल में लाइक इसको घुगनी बोला जाता है, स्पेशल नाम है, तो हम लोग बोलेंगे अभी आई थिंक दो देते हैं, राइट? यस ठीक है, दो से अच्छा खासा पेट भर जाएगा, उसके बाद तो घर जाके खाना ही है। तो फिलहाल इसकी जो क्लिप्स है, क्लिप्स मैंने ले ली है, वो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। और बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ताला पार्क है, ताला पार्क का जो लोकेशन, उसकी जो डिटेल्स है, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर खाने के बाद यहाँ से फिर मैं इसके घर के लिए निकलूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा मैं अपने घर। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप सब लोगों को ये जो वीडियो है, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना, काफ़ी सारे लाइक से भर देना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साथ में बेल नोटिफिकेशन जो है, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि आपको आगे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइस, इस वीडियो में जितना तक हो सका मैंने आपको दिखाया, आगे कुछ और भी वीडियोस आएगी, जैसे मैंने बताया आपको पिछले ब्लॉग में भी आपने सुना होगा, जब मैं अपने दीदी के घर गया था, उसमें भी मेंशन किया था कि यहाँ पर मैं लाइक अलीपुर जू और उसके अलावा गांधी घाट do